गाइस इंडिया में आज ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए यूपीआई का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है और आप लोग ये सुनकर हैरान रह जाओगे कि अकेले साल 2022 में सिर्फ 5 महीने के अंदर अंदर यूपीआई से 83 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था। और इसी वजह से गूगल जैसी बड़ी कंपनी यूएस गवर्नमेंट को ये कह रही है कि हमारे देश के लिए भी ऐसी टेक्नोलॉजी की जरूरत है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि यूपीआई इतना पॉपुलर कैसे हो गया। दरअसल इसकी सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह ये है कि यूपीआई के थ्रू पेमेंट करने के लिए आपको 16 डिजिट जितने लंबे नंबर की जरूरत पड़ती ही नहीं है। सिर्फ एक फोन नंबर और क्यूआर कोड से ही आपका काम हो जाता है और आप इंडिया के किसी भी कोने में कितना भी अमाउंट सेंड कर सकते हैं। दूसरा, क्विक एंड फास्ट ट्रांजैक्शन, जहां आप सिर्फ 2 से 3 सेकंड में पेमेंट कर सकते हैं। और तीसरा, जीरो ट्रांजैक्शन फीस। गाइस, जब भी आप क्रेडिट कार्ड या फिर किसी डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हो तो आपको कुछ ना कुछ परसेंटेज ट्रांजैक्शन फीस कट जाती है, लेकिन अगर आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हो तो आपका कोई भी पैसा नहीं कटता। और गाइस, इसीलिए अब सिर्फ अमेरिका जैसे देश ही नहीं बल्कि कई देश यूपीआई जैसी टेक्नोलॉजी को अपने देश में लाने की मांग कर रहे हैं। क्या आपको इसके पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट पता था? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा।